गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डीएम कार्यालय पर झंडारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान कर देश के शहीदों को नमन किया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया, जिसमें नवीनीकरण श्रेणी के अनुसूचित जाति के 377, सामान्य वर्ग के 74, पिछड़ा वर्ग के 974 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 67 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर एवं नेहरू इंटर कॉलेज अमहिया खोराबार के छात्र छात्राओं द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। छात्रवृत्ति नवीनीकरण श्रेणी के बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित कर दी गई है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा शासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी नगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के साथ शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंदा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीछे Thank you.
शिवम जायसवाल नीरज प्रजापति अतुल्य कुमार गुप्ता अविनाश यादव अतुल्य कुमार गुप्ता अविनेश यादव ब्रजेश पिछड़ा कल्याण अधिकारी कहाँ यार तुम्हारे स्पोर्ट्स में ये कैरियर काउंसलिंग है ना करना चाहिए ना इंटर कॉलेज बड़े बड़े इंटर कॉलेज में तो जाके कर लो सुहान अली अजीम निजाम अंसारी यही क्या होता ब्रजेश यादव अमन सत्यानंद मिश्रा सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट बाकी महात्मा गांधी जी के और राहुल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मतिथि के पावन अवसर पर आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में सभी कलेक्ट्रेट बरवर और छात्र छात्राओं के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। उनके जीवन के विभिन्न सिद्धांतों पे चर्चाएं की गई, ध्वजारोहण हुआ है और उत्सव के साथ मनाया गया है और पूरे जनपद वासियों को पूरे प्रशासन की ओर से हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं। गांधी जी की ज़िंदगी से शास्त्री जी की ज़िंदगी से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए विकास की ओर अग्रसर, इसी कामना के साथ मैं शुभकामनाएँ देता हूँ।